आज की दुनिया की सबसे बड़ी खबर की। फिनलैंड की नेटो सदस्यता के बाद पूरी दुनिया में अचानक हलचल तेज हो गई है। पहली बड़ी खबर आ रही है पोलैंड से, महायुद्ध के बीच प्रेसिडेंट पुतिन के खिलाफ यूक्रेन की नई मोर्चाबंदी। ज़ेलेंस्की ने पोलैंड के राष्ट्रपति डूडा से की मुलाकात। डूडा का ऐलान, पोलैंड 4 MiG-29 फाइटर देगा। जंग के बीच पोलैंड दौरे पर है यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। यह बहुत बड़ी खबर है। इस सबके बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। फिनलैंड की नेटो में एंट्री से भड़क गए पुतिन। रूसी सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग में यूएस पर साधा निशाना। ब्रेक करें विद द विजुअल्स। पुतिन ने कहा गंभीर क्राइसिस में है अमेरिका और रूस के संबंध। रूसी सरकारी मीडिया रशिया टुडे में किया गया दावा। इस सबके बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। मॉस्को में पुतिन और लुकाशेंको की होगी मुलाकात। ब्रेक करें, वार्ता के लिए 2 दिन के दौरे पर है मॉस्को में लुकाशेंको। 6 अप्रैल को यूनियन स्टेट की बैठक में हिस्सा लेंगे लुकाशेंको। फिनलैंड यूक्रेन को लेकर न्यूक्लियर रणनीति पर चर्चा संभव है। युद्ध में अहम भूमिका निभा सकता है चीन, यह मैक्रॉन ने कहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति विजुअल सिखाई है। 3 दिन के दौरे पर बीजिंग पहुंचे हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन। रूस के साथ करीबी रिश्तों की वजह से चीन अहम है, मैक्रॉन ने कहा। मैक्रॉन के बीजिंग दौरे पर दुनिया समेत अमेरिका की नजर। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉर्ट दिखाइए राहुल जरा। पहली बड़ी खबर पोलैंड के दौरे पर है ज़ेलेंस्की। दूसरी बड़ी खबर लुकाशेंको पहुंचे हैं रशिया। तीसरी बड़ी खबर मैक्रॉन पहुंचे हैं बीजिंग। ये तीनों खबरें बता रही हैं कि दुनिया में अब, आइए जरा यहां पर राहुल, कि दुनिया में अब मुलाकात से या तो शांति होगी या युद्ध आगे और बढ़ेगा। 4 मुलाकात, 2 एपिसेंटर। पोलैंड में ज़ेलेंस्की हैं। यूक्रेन वॉर के 406 दिन बाद पोलैंड की पहली यात्रा। वॉर्सो में ज़ेलेंस्की ने राष्ट्रपति डूडा से की मुलाकात। फिर पोलैंड और यूक्रेन के बीच MiG-29 को लेकर सहमति। पोलैंड 4 MiG-29 फाइटर जेट देने के लिए तैयार हुआ है। मॉस्को में लुकाशेंको हैं, जरा वो दिखाइए राहुल। यह जो जानकारी आ रही है, अब फिनलैंड के नेटो में जाने के बाद यह पहली मीटिंग होगी। मीटिंग में यूक्रेन वॉर की नई रणनीति पर चर्चा होगी। बेलारूस से कीव पर विध्वंसक अटैक संभव है और उससे भी बड़ी बात, न्यूक्लियर वेपन देने के बाद यह पहली मुलाकात होगी।